वहीं बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के भिंड में गोदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सती बाजार स्थित संजीव सोनी पुत्र भगवान दास सोनी की सोने चांदी की दुकान में अज्ञात चोरों ने दुकान में रखी अलमारी उठा ले गए और पुरानी सब्जी मंडी में ले जाकर उसे तोड़कर उसमें रखे सोने के अंगूठी, मंगलसूत्र के मोती, पेंडल, नाक कान की बाली सहित अन्य सामान करीब 200 ग्राम एवं चांदी के पायजेब, बिछिया, करदनी, छोटी बड़ी, गिलास, कछुआ, हाथी घोड़ा सहित अन्य सामान करीब 7 किलो वजन एवं 23,000 नगद चोरी कर ले गए। जब डायल 100 को बाजार के चौकीदार ने सूचना दी कि दुकान के ताले खुले हुए हैं, जब फरियादी ने दुकान पर पहुंचकर दुकान का शटर उठाया तो दुकान के अंदर सामान बिखरा पड़ा था, अलमारी गायब थी। रात में ही थाना प्रभारी रमेश साके भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक चोर भाग चुके थे। लेकिन थाना प्रभारी के तुरंत पहुंचने से दूसरी दुकान शिव श्याम ज्वेलर्स की दुकान में चोरी होने से बच गई। चोरों ने शिव श्याम ज्वेलर्स की दुकान में भी दीवार फोड़ दी थी, ताला भी कंट्रोल में कर लिया था। ढाई पौने तीन बजे मेरे पास फ़ोन आया, तो जो 100 नंबर की गाड़ी रहती है उस पर पिंटू बोरे नाम के कोई व्यक्ति है, हमारे मोहल्ले में रहते, उनका फ़ोन आया कि आपकी दुकान का ताला खुला हुआ है। तो हम कल ग्वालियर गए थे, पापा ने हमारे यहाँ दुकान बंद करी थी। उसके बाद में कि हमने पापा को फ़ोन लगाया रात को, पापा ने बोला कि हमारे ताले तो हम लगा के आए, तो हम दो तीन लोग वहाँ से मतलब जो है घर से आए, तो दुकान पर हमें चौकीदार और वो एक सिपाही पुलिस के हैं जो, तो हमें बैठे मिले, उन्होंने कि आपकी दुकान के ताले खुले हैं, तो ताले वहाँ पे नहीं थे। जब उन्होंने कहा ताला शटर उठाओ, शटर उठाया तो सब सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी वहाँ पे थी नहीं, तिजोड़ी पूरी, और डेस्कों में जो सामान लगा था वो सारा गायब था। तकरीबन गया होगा 200 ग्राम के आसपास, 7-8 लाख का तो होगा। 7-8 है। मेरा नाम संजीव सोनी है और माल तो दुकान में आता है, बिकता रहता है, तो इसका कुछ आइडिया लोकल यही है। आए दिन होने वाली वारदातों से एक तरफ पुलिस के पास स्टाफ की कमी दिखती है, तो उससे ज्यादा नगरपालिका की लापरवाही नजर आती है। नगरपालिका ने लाखों रुपए खर्च करने के बाद स्ट्रीट लाइट खरीदी है, उसके बावजूद बाजार में अंधेरा ही बना रहता है, कहीं लाइट नहीं चल रही है। वहीं नगरपालिका ने चुनाव से करीब 2 महीने पूर्व हुई बैठक में महत्वपूर्ण जगहों पर कैमरे लगाने का भी प्रस्ताव पास होना बताया था कि महत्वपूर्ण जगह जैसे गोलंबर पुराना बस स्टैंड, सदर बाजार, नया बस स्टैंड पर लगने थे, लेकिन आज तक नहीं लगाए गए हैं।